अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कोनो नेशनल पार्क लाए गए चीतों के लिए नाम मांगे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, पिछले दिनों चीतों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देश के हर हिस्से से चीतों के आने पर खुशी जताई गई। देश भर के लोगों का एक कॉमन सवाल है कि चीतों को देखने का मौका कब मिलेगा। चीतों को लेकर एक टास्क फोर्स बनी है। ये टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग कर ये देखेगी कि ये हमारे यहाँ के माहौल में कितने घुल मिल गए हैं। इसके बाद ही चीतों को देख पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, चीतों को देखने से पहले एक कॉम्पिटिशन शुरू कर रहे हैं, इसमें हर देशवासी को हिस्सा लेना चाहिए। कॉम्पिटिशन www.mygovernment.in पर होगा। इसमें चीतों को लेकर चलाए गए अभियान का नाम क्या होना चाहिए, चीतों का नाम क्या होना चाहिए, यानी हर एक को किस नाम से बुलाया जाना चाहिए, इसमें आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। मेरी अपील है कि इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। क्या पता चीतों को देखने का सबसे पहला अवसर आपको मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 93वीं मन की बात में ऐलान किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह फैसला भगत सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। उनकी जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। मोदी ने कहा, भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।